हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं एक वर्सेस बैटल, जिसमें हम कंपेयर करेंगे दो मैजिकल बुक्स को, जो कि हैं बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो एंड बुक ऑफ विशांति। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो की। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो एक एंशियंट बुक है स्पेल्स की, जो रखी होती है एंशियंट वन के प्राइवेट कलेक्शन में। इस बुक में मेनली मिस्टिसिज्म के डार्क साइड पर फोकस किया गया है, जिसमें डार्क एनर्जी और आप डार्क डायमेंशन से बींग्स भी बुला सकते हो। हिस्ट्री, तो काइसिलियस की वाइफ एंड उसके सन की डेथ के बाद काइसिलियस काफी ज्यादा दुखी होता है। अपने इसी पेन से कोप अप करने के लिए वो ज्वाइन करता है मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स, जिसकी लीडर होती हैं एंशिएंट वन। एंशिएंट वन काइसिलियस से प्रॉमिस करती हैं कि वो उसकी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेंगी, जिससे वो अपने पेन को ओवरकम कर पाएगा। यहाँ पर काइसिलियस काफी कुछ सीखता है एंड एक टैलेंटेड मिस्टिक आर्टिस्ट बनता है। यहाँ से निकलकर काइसिलियस खुद की एक टीम बनाता है, जिसे हम जियोलॉट्स कहते हैं, और काइसिलियस एंड जियोलॉट्स जाते हैं कामरताज लाइब्रेरी एंड वहाँ के लाइब्रेरियन को मार के वो बुक में से वो पेजेस फाड़ लेते हैं जो कि उनके प्लान को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। देन काइसिलियस उस रिचुअल को परफॉर्म करता है जो कि बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो में दिए हैं, जिससे उससे और उसकी टीम यानी जियोलॉट को डार्क डायमेंशन से पावर मिलती है। डार्क डायमेंशन से पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से उनके आई के अराउंड एक सर्कल बन जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि उनके पास अब डार्क डायमेंशन की पावर्स हैं। इन पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके पास कुछ नई एबिलिटीज आती हैं, जिससे वो मास्टर ऑफ मिस्ट्री कार्ड्स को डिफीट करते हैं और सैंटम सेंटोरम को डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि डोरमामू अर्थ पर आ सके। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो का यूज डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ने भी किया है अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए, जहां वो एक एप्पल को रीग्रो कर देते हैं और थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो के फटे पेजेस को भी वापस ले आते हैं। इसी बुक से डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम लूप भी सीखते हैं, जिसका यूज करके वो आगे डोरमामू को हराते हैं। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो हमें मार्वल के डिज्नी प्लस शो व्हाट इफ में भी देखने को मिली। व्हाट इफ में बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो पढ़ने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में प्रेजेंट मिस्टिकल बींग्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इन मिस्टिकल बींग्स की पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, और यही पावर उन्हें करप्ट कर देती है। अब बात करते हैं बुक ऑफ विशांति की, जो कि जस्ट अपोजिट है डार्क होल्ड से। ये एक एंशियंट बुक है नॉलेज एंड पावर की, जिसे यूज करते हैं सॉर्सरर्स। बुक ऑफ विशांति की लोकेशन मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स को भी नहीं पता है, और जो चीज इस बुक के बारे में पता है वो ये है कि इस बुक तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल है, और वॉन्ग को ये चीज सॉर्सरर सुप्रीम बनने के बाद पता चली थी। अल्टरनेट यूनिवर्स में डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चेवेस को बताते हैं बुक ऑफ विशांति के बारे में, जिसका यूज करके वो किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। उन्हें ये बुक मिलने ही वाली होती है, बट तभी रिबन क्रिएचर, जिसे स्कारलेट विच ने समन किया होता है, वो उन्हें चेस करने लगता है। यही डिफेंडर स्ट्रेंज की इस क्रिएचर से फाइट भी होती है, बट एंड में वो मारा जाता है एंड अमेरिका चेवेस एंड डिफेंडर स्ट्रेंज एक पोर्टल के थ्रू दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। इल्यूमिनाटी यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी टीम थानोस से लड़ रही होती है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा लगता है कि थानोस को डिफीट करने का आंसर मल्टीवर्स में कहीं छुपा होगा, और यही उसे मिलती है उसके यूनिवर्स की डार्क होल्ड। इसी डार्क होल्ड का यूज करके वो दूसरे यूनिवर्स में ड्रीम वॉक करना शुरू कर देता है, ताकि उसे थानोस को डिफीट करने का कोई आइडिया मिल सके, बट एंड में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। स्टिल वो ड्रीम वॉकिंग कंटिन्यू रखता है। उसकी इसी ड्रीम वॉकिंग की वजह से इंक्रूजन प्रोसेस शुरू हो जाता है, और बाद में वो अपने इस एक्शन को इल्यूमिनाटी के सामने कन्फेस करता है। इवेंचुअली डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड को छोड़कर बुक ऑफ विशांति को ढूंढते हैं थानोस को हराने के लिए, और यहीं पर वो बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने के लिए एक वे पॉइंट को भी बनाते हैं, ताकि कभी कोई इमरजेंसी होती है तो उस बुक तक पहुंचा जा सके। बैटल ऑफ टाइटन के बाद स्ट्रेंज को ये बात पता थी कि उसने जो किया है उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, और अल्टीमेटली उसे ब्लैक बोल्ट के हाथों मरना पड़ता है। जैसा कि प्रोफेसर एक्स बताते हैं कि उनके यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुक ऑफ विशांति को सेफली गैप जंक्शन में रखा है, और लेटर क्रिस्टीन पाल्मर, अमेरिका चेवेस एंड अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज वहां तक पहुंच भी जाते हैं, बट तभी स्कारलेट विच डार्क होल्ड की पावर को यूज करके बुक ऑफ विशांति को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर इस बुक की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये बुक सॉर्सरर को वो सभी स्पेल देती है, जिससे वो अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकते हैं, और इसी वजह से इसे एंटीथीसिस यानी अपोजिट ऑफ डार्क होल्ड भी कहा जाता है। बुक ऑफ विशांति डार्क होल्ड के मैजिक को रेसिस्ट कर सकती है, बट स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल होल्डर है डार्क होल्ड की, जिससे वो अपनी पोटेंशियल का यूज करके बुक ऑफ विशांति को डिस्ट्रॉय कर देती है। कॉमिक्स में बुक ऑफ विशांति स्पेल बुक थी, जिसे लिखा था विशांति गॉड्स ने। इस बुक में मोस्ट पावरफुल वाइट मैजिक था, जिसे केवल डिफेंड पर्पस के लिए ही यूज किया जाता था। इसी के साथ इसमें मार्वल के कॉस्मोलॉजी के बारे में भी काफी डिटेल्स लिखी हुई थी। इवन इसमें कुछ चीजें तो एगो मॉर्टन ने खुद लिखी थी। अब अगर बात करते हैं कि इन दोनों बुक में कौन सी ज्यादा पावरफुल है, तो बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो एंड बुक ऑफ विशांति,
दोनों के ही कुछ मेरिट्स हैं। बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो का यूज करके डार्क डायमेंशन से पावर ली जा सकती है, जिसे डोरमामू जैसे क्रिएचर्स को बुलाया जा सकता है। वहीं बुक ऑफ विशांति अपने यूजर को रेडी रखती है ताकि वो कोई भी सिचुएशन फेस कर सके। टेक्निकली बुक ऑफ विशांति ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये पर्सन को वो सभी स्पेल देती है जो उन्हें चाहिए, पर डार्क होल से डिस्ट्रॉय होने के बाद काफी फैंस को ऐसा लग रहा होगा कि ये बुक की पोटेंशियल उतनी नहीं है। एट द एंड में ये बोलूंगा कि ये दोनों ही बुक काफी ज्यादा पावरफुल हैं और इन दोनों को ही एक दूसरे के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि उन्हें कौन यूज कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी बुक ज्यादा पावरफुल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। म्यूजिक।